आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के बारे में। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। भगवान श्री गणेश के बाल्यकाल की अनेक लीलाएं हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा लुभाती हैं। बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की लालाओं से परिपूर्ण अनेक कथाओं में से कुछ चुनिंदा कथाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं। सुनिए बाल गणेश की कथाओं के बारे में। पहली कथा बाल गणेश के द्वारा गौतम ऋषि की रसाई से भोजन की चोरी के संबंध में है। कहा जाता है कि एक बार बाल गणेश कुछ मुनियों के पुत्र अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख सताने लगी। वहीं पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में मगन थे और उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही थी। बाल गणेश आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान बंटते ही रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले गए और अपने मित्रों के साथ खाने लगे। जब इस बात की जानकारी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को लगी तो अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से भोजन गायब हो गया है। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा तो गणेश अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। गौतम उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर माता पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास होने लगा जैसे गणेश उनकी गोद में है, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए, कभी रोते हुए। लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे दिखे। माता काम में लग गईं। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आभास होने लगा जैसे गणेश शिवगणों के साथ खेल रहे हैं। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश आम बच्चों की तरह रो रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अधिक स्नेह आया और दयावश उन्हें मुक्त कर दिया। इसी तरह एक अन्य कथा भगवान श्री गणेश की बुद्धिमानी के संबंध है कि अपनी बुद्धिमानी से एक बार में ही सारे देवताओं को गणेश जी ने निमंत्रण भेज दिया। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता भी माना जाता है। यह कहानी भी उनके इन्हीं गुणों से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव के मन में एक यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने यज्ञ की तैयारियां करनी शुरू कर दी। शिव जी के अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए शिव जी के गण अलग अलग जिम्मेदारियां लेकर काम करने लगे। लेकिन यज्ञ तभी पूर्ण रूप से सफल होता जब सारे देवता इस यज्ञ में भाग लेते, इसलिए सबसे बड़ा काम यह था कि आखिर किसको देवताओं को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि वह इस जवाबदेही का निर्वहन ईमानदारी से कर सके। क्योंकि शिव जी इस यज्ञ को जल्द से जल्द आरंभ करना चाहते थे, इसलिए निमंत्रण देने के लिए समय बहुत कम था। यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए निमंत्रण देने वालों को अलग अलग लोकों का भ्रमण करना पड़ता है। इसके साथ ही एक चुनौती यह भी थी कि निमंत्रण देने वाला कहीं देवताओं के साथ ऐसा व्यवहार न कर दे कि वो रुष्ट हो जाएं और यज्ञ में आने के लिए इनकार कर दे। बहुत सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि भगवान श्री गणेश जी को यह दायित्व सौंपा जाए क्योंकि बुद्धि और विवेक के मामले में वो सबसे श्रेष्ठ है। अंततः भगवान श्री गणेश जी को जब यह जिम्मेदारी सौंपी गई तो उनके सामने भी यह चुनौती आई कि इतने कम समय में सबको निमंत्रण कैसे दिया जाएगा। उनकी सवारी मूसक की गति भी इतनी तीव्र नहीं थी कि वो इस काम को जल्दी खत्म कर पाए। इस समस्या को दूर करने के लिए गणेश जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने विचार किया कि समस्त देवताओं का वास शिव में है, अगर शिव को ही प्रसन्न किया जाए तो सब देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने भगवान शिव की पूजा की और उनके समक्ष ही सारे निमंत्रण पत्र समर्पित कर दिए। ऐसा करके सारे देवताओं को निमंत्रण पहुंच गया और सब देवता नियत समय पर यज्ञ में उपस्थित हुए। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए।
इसी तरह की एक और कथा भगवान श्री गणेश के बारे में प्रचलित है। आइए उस कथा को आपको सुनाते हैं। एक बूढ़ी माता जी थी। वह बहुत ही फरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बूढ़ी माता जी सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बूढ़ी माता जी से बोले, माता जी आप जो चाहे सो मांग लीजिए। बूढ़ी माता जी बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहु बेटे से पूछकर मांग लीजिए। उसके बाद बूढ़ी माता जी ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, मां तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बूढ़ी माता जी ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बूढ़ी माता जी ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बूढ़ी माता जी तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बूढ़ी माता जी बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बूढ़ी माता जी आपने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो आपने मांगा है वचन के अनुसार सब आपको मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बूढ़ी माता जी मां ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बूढ़ी माता जी मां को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना, यह विनती है देवाधिदेव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।